गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का पुनः एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। छात्रगण, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, और उसी क्रम को आज हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। पिछली कक्षाओं में आपने जाना था कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। छात्रगण, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। पूछेगा कौन से देश का संविधान सबसे बड़ा है? भारत का। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है? भारत का। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, यह भी मनन करना होगा, यह भी स्मरण करना होगा, यह भी याद रखना होगा, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। छात्रगण, दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी जो हम लोगों ने विगत कक्षाओं में पढ़ा था, धर्मनिरपेक्ष संविधान। छात्रगण पूछेगा भारतीय संविधान कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। छात्रगण, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? ध्यान दीजिएगा, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता दो शब्द हैं। जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं है, जहां सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, सबों को एक नजरों से देखा जाता है, वैसे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक सेकुलर स्टेट है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि यहां पर सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है। यहां यह नहीं है कि इस्लामिक देश है तो इस्लाम को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, अन्य धर्मों को कम, या ईसाई देश है तो इस क्रिश्चियनिटी को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, अन्य धर्मों को कम महत्व दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी बगिया में सभी तरह के फूल खिले हुए हैं छात्रगण, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी को हम लोग एक समान दृष्टिकोण से देखते हैं। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है, धर्मनिरपेक्षता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो छात्रगण, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखना, आदर की भावना रखना, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहना और दूसरे धर्म को गलत कहना, यह सांप्रदायिकता है। छात्रगण, तो हमारा देश क्या सांप्रदायिक है? नहीं, हमारा देश सेकुलर है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह भी क्वेश्चन कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, ध्यान रखिएगा। छात्रगण, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने एक और चीजों का अध्ययन किया था, है ना, एकल नागरिकता। छात्रगण, हमारे देश में भारत का नागरिक चाहे वह किसी भी देश का हो, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का हो, भारत का नागरिक स्वयं को केवल और केवल इंडियन कहता है, हिंदुस्तानी कहता है, चाहे वो तमिलनाडु में रहे, चाहे जम्मू कश्मीर में रहे, चाहे गुजरात में रहे, चाहे मणिपुर में रहे, चाहे बिहार में रहे, चाहे यूपी में रहे, चाहे उत्तराखंड में रहे या झारखंड में रहे, वो अपने आप को क्या कहता है छात्रगण? इंडियन। कॉलम में क्या लिखता है सिटीजनशिप में? आप क्या लिखते हैं सिटीजनशिप जब आता है आपके कॉलम में लिखने के लिए, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का फॉर्म भरते हैं तो सिटीजनशिप में आप क्या लिखते हैं? बिहार, झारखंड, यूपी, तमिलनाडु, है ना? नहीं, आप लिखते हैं इंडियन। तो छात्रगण, भारत में एकल नागरिकता है लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। छात्रगण, ड्यूअल सिटीजनशिप किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, दोहरी नागरिकता के तहत क्या होता है इसको समझे। छात्रगण, अमेरिका में केंद्र की नागरिकता अलग मिलती है और राज्य की नागरिकता अलग मिलती है, इसलिए वहां दोहरी नागरिकता है। इस चीज को भी आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा, इस चीज को भी मनन करना होगा, इस चीज को भी स्मरण करना होगा, इस चीज को भी आपको छात्रगण याद रखना होगा। यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। छात्रगण, आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं आपकी हेडिंग बन चुकी है, विगत कक्षाओं में आपने कई पॉइंट्स लिखे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे संप्रभुता। संप्रभुता लिखेंगे छात्रगण। हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है, है। इसका अर्थ यह है कि
इसका अर्थ यह है कि भारत किसी भी आंतरिक या बाहरी सत्ता से पूर्णतः नियंत्रण मुक्त होकर बिना किसी दबाव के कार्य करता है। भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, तथा अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, छठगन ध्यान दीजिएगा, क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, जो कि हमें याद है प्रस्तावना में भी ये शब्द दिया गया है। छठगन सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है भारत, इसका आशय क्या होता है। छठगन इसका आशय यह है कि 1947 के पहले, आजादी के पहले, क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र था? क्या भारत में संप्रभुता थी? जवाब होगा नहीं। क्यों? हम विदेशी शक्ति के गुलाम थे, हम इंग्लैंड के गुलाम थे, हम ब्रिटेन के गुलाम थे, हम यूके के गुलाम थे, हम उसके अधीन काम कर रहे थे। क्या कोई भारत अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था 1947 के पहले? नहीं, भारत अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं था, हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, इसलिए हमारा जो भी निर्णय लिया जाता था वो कौन लेता था? ब्रिटिश सत्ता लेती थी, अंग्रेज लेते थे। छठगन ध्यान रखिएगा, छठगन क्या आजादी के बाद वर्तमान परिस्थितियों में यदि देखा जाए तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, भारत एक जो है संप्रभुता से युक्त राष्ट्र है, भारत बिना किसी दबाव के अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है, भारत किसी भी आंतरिक शक्ति या बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। अभी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, क्या भारत ने अमेरिका से पूछा? क्या भारत ने अन्य किसी राष्ट्र से पूछा? क्या भारत किसी दबाव में आया? नहीं, भारत ने यह निर्णय स्वयं लिया। इससे क्या पता चलता है कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं है, भारत किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, भारत किसी का भी गुलाम नहीं है, भारत कोई भी निर्णय लेता है तो स्वयं ले पाने में सक्षम है। यही कहता है छठगन प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, यही कहता है संप्रभुता, इसी का आशय होता है संप्रभुता, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। अर्थात संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, भारत किसी के दबाव में अपने निर्णय नहीं लेता है, भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यही संप्रभुता से युक्त संविधान का आशय है, जिसको आपको छठगन ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और याद रखना होगा। क्या सवाल आएंगे छठगन, गौर कीजिएगा, पूछेगा भारतीय संविधान में संप्रभुता शब्द का वर्णन किया गया है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। छठगन ऑप्शन में देगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। नंबर 2 देगा, भारत विदेशी शक्ति के अधीन है। नंबर 3 देगा, भारत समाजवादी ढांचे से युक्त संविधान है। 4 देगा, भारतीय संविधान में जो संप्रभुता शब्द दी गई है उसका आशय यह है कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, भारत किसी के भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, भारत स्वयं में एक स्वतंत्र राष्ट्र है तथा स्वयं में अपना निर्णय लेने में सक्षम है। तो ये छठगन आप जब तक नहीं याद रखिएगा तब तक आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को छठगन याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आइएगा छठगन, समाजवाद सोशलिज्म, है ना छठगन, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? रूस था।
है ना, जिसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है छात्रगण, ध्यान रखिएगा, समाजवाद लिखेंगे छात्रगण। समाजवाद का अर्थ यह होता है कि समाज में न तो कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई मालिक है न कोई मजदूर है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है, है अर्थात, हाँ छात्रगण लिखेंगे, अर्थात समाज में सभी वर्गों को एक समान नजरों से देखा जाता है, एक समान नजरों से देखा जाता है, इसे ही समाजवाद कहा गया है। छत्गन ध्यान देंगे, मनन करेंगे, याद रखेंगे, क्या आशय होता है छत्गन समाजवाद शब्द का, क्या अर्थ होता है समाजवाद का। छत्गन आप जानते हैं कि पूरे विश्व में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं काम करती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका मुख्य कर्ता धरता है अमेरिका, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि रूस में लागू है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत में है। यानी छात्रगण समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है इसको जानिएगा। समाजवाद कहता है ऑल आर इक्वल, सभी बराबर हैं, चाहे वह मालिक हो, मजदूर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े जात के लोग हों, छोटे वर्ग के लोग हों, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक समान अधिकार दिया गया है, सबों के लिए एक समान कानून बनाए गए हैं, यही समाजवाद कहता है छात्रगण। सोशलिज्म का अर्थ ही है ऑल आर इक्वल, हमारे समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, यही सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, इसे ही समाजवाद भी कहा जाता है। तो छात्रगण समाजवाद का अर्थ होता है कि सभी बराबर हैं, समाज में ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, यही समाजवाद का एक स्वरूप है जो कि हमारे संविधान को और भी उत्कृष्ट बनाता है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। छात्रगण सवाल क्या आएंगे, पूछेगा भारतीय संविधान का स्वरूप समाजवादी ढांचे से युक्त है, इसका आशय क्या होता है। तो छात्रगण आपको लगाना होगा कि जहां जिस समाज में अमीर गरीब, मालिक मजदूर, ऊंच नीच, महिला पुरुष के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाए, उसे ही समाजवाद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा छात्रगण, ये क्वेश्चन भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पैनी निगाहें आपकी मैं चाहता हूं, समाजवाद से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट को लिखेंगे छात्रगण पूरे जोशो खरोश के साथ, जज्बे और जुनून के साथ, आपकी एक चीजों पर मैं पैनी निगाहें चाहता हूं, लिखेगा स्वतंत्र न्यायपालिका। हाँ लिखेंगे छात्रगण, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि हमारी न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है, अर्थात न्यायपालिका बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। छात्रगण ध्यान रखिएगा, हमारे देश में न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं छात्रगण, लोकतंत्र के चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, कार्यपालिका,
देश का शासन चलाती है, कानून को लागू करती है, विधायिका कानून को बनाती है, न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। छात्रगण, ये न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। और चौथा स्तंभ है प्रेस या मीडिया, जो कि समाज में जागरूकता लाती है, सरकार को और प्रशासन को सचेत करती है कि वह जनता के अधिकारों का अतिक्रमण न करें, वह जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखें। छात्रगण ध्यान देंगे, हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया है ना छात्रगण? न्यायपालिका के समक्ष बड़े से बड़े राजनेता, बड़े से बड़े अभिनेता, बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े पूंजीपति आते हैं आपराधिक मामलों में, आते हैं ऐसे मामलों में जहां न्यायपालिका के पथ डगमगा सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, बिना किसी दबाव के रखा गया है, ताकि वह स्वतंत्र निर्णय कर सके, निष्पक्ष निर्णय कर सके। और वह निर्णय करते वक्त यह ना देखे कि सामने वाला व्यक्ति कितना प्रभावशाली है। छात्रगण, यदि ऐसा होता तो आज बड़े बड़े राजनेताओं को जेल के अंदर नहीं जाना पड़ता, आज बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं को जेल के अंदर नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके पास न तो पैसे की कमी है, न पावर की कमी है। ये चाहते तो न्यायपालिका को भी मैनेज कर लेते, लेकिन छात्रगण आज न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष रूप से काम करती है और समूह के लिए एक समान नजरिया रखती है। इसलिए हमारी न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ध्यान रखिएगा, क्या सवाल आएंगे छात्रगण, गौर करेंगे। पूछेगा, हमारी न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? नंबर एक, कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है। नंबर दो, विधायिका के अधीन कार्य करती है। नंबर तीन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य करती है। नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे छात्रगण? वेरी गुड आंसर, नंबर तीन को आपको रंग देना है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। ध्यान रखिएगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो हमारी न्यायपालिका कैसी है छात्रगण? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं का। पैनी निगाहें, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण। नेक्स्ट आएंगे, अगले पॉइंट को लिखेंगे छात्रगण, वयस्क मताधिकार। मताधिकार, मताधिकार, एडल्ट वोटिंग है ना छात्रगण, एडल्ट वोटिंग, वयस्क मताधिकार। छात्रगण लिखेंगे, इसके तहत हमारे देश में वोट देने की उम्र सीमा वर्तमान में 18 वर्ष न्यूनतम है, 18 वर्ष न्यूनतम है। पूर्व में यह 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 61वें संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 1989 के द्वारा राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी, 21 से घटाकर 18 कर दी। छात्रगण ध्यान देंगे, हमारे देश में वयस्क मताधिकार है। छात्रगण, हमारे देश में कोई भी हो जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है, एट द 18 ईयर्स ओल्ड, है ना, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू गिव वोट। छात्रगण, 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति हमारे देश में
वोट देने का अधिकारी है, यह न्यूनतम उम्र सीमा है। पूछेगा भारत में वोट देने की उम्र सीमा वर्तमान में कितनी है, ऑप्शन देगा न्यूनतम 21 साल, न्यूनतम 18 साल, न्यूनतम 16 साल, न्यूनतम 15 साल। क्या लगा देगा छात्रगण, न्यूनतम 18 साल। छात्रगण वोट देने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है, ऑप्शन देगा 100 साल, 105 साल, 110 साल, चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना होगा इनमें से कोई नहीं। छात्रगण अधिकतम उम्र सीमा कोई नहीं होती है वोट देने की। आप देखते होंगे इलेक्शन के चुनाव में, चुनाव जब होते हैं तो 110 साल के भी बुजुर्ग व्यक्ति को लोग खटिया में लाद करके वोट देने के लिए ले जाता है, नदी पार करके वोट देने के लिए ले जाता है। क्यों, क्या कारण है इसका? इसका कारण है छात्रगण कि वो व्यक्ति वोट देने के अधिकारी हैं। वोट देने में कोई भी रिटायर नहीं होता है छात्रगण, वो चाहे कितने ही बरस का क्यों ना हो जाए, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन हाँ, न्यूनतम सीमा निर्धारित है छात्रगण 18 इयर्स। 18 वर्ष से कम आपकी उम्र होगी तो आप वोट देने के अधिकारी नहीं हैं। 18 वर्ष से ज्यादा आपकी कितनी भी उम्र हो, 100 हो, 120 हो, 150 हो, डबल सेंचुरी भी मार दीजिए आप, मैं यही जो है ईश्वर से कामना करता हूं, लेकिन वोट फिर भी आप दे सकते हैं। अधिकतम की कोई उम्र सीमा नहीं है छात्रगण। तो याद रखेंगे छात्रगण, पहले वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा थी 21 साल। क्या किया कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा छात्रगण एक कदम उठाया, संविधान को संशोधित करवाया और कहा नहीं, हमारे युवा 18 बरस में ही तेज तरार युवा बन जाते हैं तो हमें 21 का इंतजार नहीं करना है। और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया था छात्रगण, 21 वर्ष से घटाकर उन्होंने उम्र सीमा को कितना कर दिया था, 18 साल कर दिया था, 18 इयर्स कर दिया था। इसको भी छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा, इसको भी याद रखना होगा, इसको भी मनन करना होगा, इसको भी अध्ययन करना होगा। यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से आता है। तो भारत में वोट देने की उम्र सीमा कितनी है छात्रगण अभी वर्तमान में, न्यूनतम 18 साल, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। पहले कितनी थी 21, किस प्रधानमंत्री ने 21 से घटाकर 18 कर दिया, राजीव गांधी ने कर दिया। किस संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसे घटाकर उन्होंने जो है 21 से 18 कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा राजीव गांधी ने किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी थी, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसे घटाकर 21 से उन्होंने 18 कर दी थी। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी छात्रगण आपको याद रखना होगा, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा छात्रगण अगले विशेषता की ओर, लिखिएगा हमारा संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है, हमारा संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है, दोनों है। लिख लिया छात्रगण अपने पॉइंट को, कठोर एवं लचीला दोनों है। हां, अब इसको डील करेंगे। लिखिए इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि संविधान को, संविधान को संशोधित करने के लिए, के लिए कठोर और लचीला, कठोर और लचीला दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, कठोर और लचीला दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, जाता है, कठोर और लचीला दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, जाता है। कुछ विषयों को काफी जटिल प्रक्रिया के द्वारा, लिखेंगे छात्रगण, कुछ विषयों को काफी जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा संशोधित किया जाता है, किया जाता है, तथा कुछ विषयों को, कुछ विषयों को बिल्कुल आसान तरीके से,
बिल्कुल आसान तरीके से संशोधित किया जाता है। इसलिए हमारा संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। इसलिए हमारा संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। ध्यान देंगे छात्रगण, क्या सवाल आएंगे, क्या जवाब आपको देना है और किस तरीके से जवाब देना है। पूछेगा, हमारा संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है, कैसे? छात्रगण, आपको ध्यान देना होगा, मनन करना होगा, स्मरण करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा। छात्रगण, हमारा संविधान कठोर इसलिए है क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ विषयों को छात्रगण मान लीजिए संशोधित करना, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, आप जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं बिल्कुल। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यदि कोई सुधार करना है तो बहुत लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। छात्रगण, क्या है वो जटिल प्रक्रिया, क्या है वो लंबी प्रक्रिया, क्या है वो टफ कंडीशन? छात्रगण, उसके लिए पहले लोकसभा से 2/3 विशेष बहुमत, 2/3 जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है छात्रगण, से प्रस्ताव पारित कराना होगा। फिर राज्यसभा से 2/3 अर्थात विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। उसके बाद देश के आधे से भी अधिक राज्यों की विधानसभाओं से प्रस्ताव को पारित कराना होगा। तब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे, तब वह कानून बन पाएगा, तब वह संविधान संशोधन हो पाएगा। कितनी जटिल प्रक्रिया है छात्रगण, ये देखा आपने। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं आसान भी है जिन्हें साधारण बहुमत से भी आप पारित कर सकते हैं। जैसे नए राज्य की स्थापना, किसी भी नए राज्य की स्थापना, जैसे बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, इसके लिए क्या कोई जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ी? नहीं, इसके लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया अपनानी पड़ी। आसान प्रक्रिया क्या थी छगन की? लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत किसे कहा जाता छगन? 1/2+1, कुल उपस्थित सदस्यों का 1/2+1। यदि 100 सदस्य हैं छात्रगण उपस्थित, तो उसका 1/2 कितना हो गया छात्रगण? 50 है ना, तो 50+1 यानी 51, ये हो गया साधारण बहुमत। समझेंगे छात्रगण, बारीक चीजें हैं ये सब, सिंपल मेजोरिटी है ना। और ये जो मैंने बताया विशेष बहुमत, छात्रगण 100 हैं तो गुने 2/3 33 है ना, दुनी 66, ये हो गया छात्रगण विशेष बहुमत। यदि 100 सदस्य हैं तो 66 का चाहिए उसमें जो है आपको समर्थन, तब कहलाएगा विशेष बहुमत। और केवल 51 समर्थन कर देंगे तो वह कहलाएगा साधारण बहुमत। दोनों के अंतर को समझा कीजिए, 1/2+1 होता है साधारण बहुमत और 2/3 होता है विशेष बहुमत। इस चीज को ध्यान में रखिएगा छगन। नए राज्य की स्थापना के लिए साधारण बहुमत से भी प्रस्ताव को पारित करके किसी भी नए राज्य की स्थापना संसद कर सकती है, संसद द्वारा किया जा सकता है। तो छगन, इस उदाहरण से क्या पता चलता है? कुछ विषयों को संशोधित करने के लिए कठोर प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है, कठोर प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, और कुछ विषयों को संशोधित करने के लिए बिल्कुल आसान प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, बिल्कुल आसान प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। ये सब चीजों को भी छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी मनन करना होगा, ये भी अध्ययन करना होगा, ये भी स्मरण करना होगा। ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी जबरदस्त रूप से आता है कि आखिर हमारा संविधान कठोर भी है, लोहे जैसा कठोर भी है और रबर की तरह लचीला भी है, तो आखिर क्यों है ऐसा? तो आप जब तक कंसेप्ट आपका छात्रगण क्लियर नहीं रहेगा तब तक ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। ये सब क्वेश्चन जेपीएससी, यूपीएससी, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत हिट रूप से पूछे जाते हैं छात्रगण। इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी और एक चीजों को ध्यान रखना होगा, एकाग्रता के साथ युक्त होना होगा। ध्यान रखिएगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण। गौर करेंगे, संविधान को संशोधित करने के लिए कठोर प्रक्रिया के दौर से भी गुजरना पड़ता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ
देश के आधे से भी अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे पारित कराना होगा, तब ये कठोर बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, जटिल प्रक्रिया से प्रस्ताव पारित होगा, और यदि साधारण बहुमत से यानी आसान प्रक्रिया से यानी लचीली प्रक्रिया से आपको यदि यह करना है तो ऐसी स्थिति में छात्रगण आपको लचीली प्रक्रिया यह होगी कि आपको संसद के दोनों सदनों से हाफ प्लस वन है ना, कुल उपस्थित सदन संख्या का हाफ प्लस वन यानी साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करवा दीजिए लोकसभा और राज्यसभा से, राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर देंगे और वह कानून बन जाएगा, संविधान संशोधित हो जाएगा। छात्रगण तो यही अंतर है, कठोर और लचीला दोनों क्यों हैं इसे आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसलिए आपको इसे पैनी निगाह रखनी होगी, इसे ध्यान देना होगा, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण, संघात्मक एवं एकात्मक दोनों है, संघात्मक एवं एकात्मक दोनों है। देखिए संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अर्थात भारतीय संविधान संघात्मक है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किए गए हैं, अलग अलग शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसलिए भारतीय संविधान एकात्मक भी है, है। छत्गन ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान संघात्मक भी है ना, और एकात्मक भी है। आखिर कैसे? छत्गन संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान संघात्मक है, राज्यों का संघ है, है ना, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि एकात्मक भी है, केंद्र और राज्य को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। संघ सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, यूनियन लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, समवर्ती सूची पर कंकरेंट लिस्ट पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है छत्गन। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि केंद्र को शक्ति ज्यादा दी गई है बनिस्पत राज्य के, क्योंकि केंद्र चाहे तो राज्य सूची के विषय को भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा कानून बना सकती है। इससे पता चलता है कि हमारा देश का संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है ना, दोनों को समान शक्तियां भी दी गई हैं, लेकिन जब यदि ज्यादा शक्ति किसके पास नहीं था छात्रगण, तो केंद्र के पास है। भारत एक तरफ कहता है कि मैं राज्यों का संघ हूं, लेकिन जब शक्तियों का पृथककरण होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं, राज्यों के पास भी शक्तियां हैं, राज्य भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है, राज्य और केंद्र दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी एक विषय पर मान लीजिए दोनों ने कानून बना दिए, केंद्र ने भी बना दिए और राज्य ने भी बना दिए समवर्ती सूची के विषय पर, तो ऐसे में केंद्र का कानून ही मान्य होगा छात्रगण, राज्य का नहीं होगा। इससे पता क्या चलता है? बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज सुपर। तो याद रखेंगे छात्रगण, केंद्र को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं बनिस्पत राज्य के, इसलिए हमारा संविधान एकात्मक भी है और हमारा संविधान संघात्मक भी है, राज्यों का संघ है, इसलिए दोनों तरीके से आपको याद रखना होगा। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा हमारा संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों है कैसे, है ना। तो छात्रगण आपको लगाना होगा, भारत
को एक और राज्यों का संघ कहा गया है तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, इसलिए हमारा संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों है। ध्यान देंगे छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इस पर भी आपको पहले निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, पहले निगाहें आपको रखनी होगी छात्रगण, ध्यान देंगे। तो ये है छात्रगण भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और उससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें जिससे सवाल हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। छात्रगण हर शब्द का ताना बाना आपको याद रखना होगा। समाजवाद क्या है? तो समाज में सभी बराबर हैं, सबको एक दृष्टिकोण से देखा जाता है। संप्रभुता क्या है? तो भारत किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, भारत स्वयं में संप्रभु है, भारत स्वयं में अपना निर्णय लेने में सक्षम है, भारत किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, यही संप्रभुता है। भारत किसी के दबाव में नहीं है, भारत अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, यही संप्रभुता है छात्रगण, है ना। छात्रगण जितने भी शब्द आपको लिखाए गए हैं, चाहे वो समाजवाद हो, धर्मनिरपेक्ष हो, संप्रभुता हो, है ना, ये सब शब्दों के अर्थ को तो आपको जानना ही है। साथ ही साथ संविधान की जितनी भी विशेषताएं लिखाई गई हैं, चाहे वो स्वतंत्र न्यायपालिका हो, चाहे वो एकल नागरिकता हो, है ना, चाहे वो संघात्मक और एकात्मक दोनों हो, चाहे वो कठोर और लचीला दोनों हो, ये सब चीजों को भी छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और एक चीजों को याद रखना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, है ना छात्रगण। अब हेडिंग बनाइएगा नए टॉपिक का नाम, भारतीय संविधान में शामिल, भारतीय संविधान में शामिल विदेशी विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान में शामिल विदेशी स्रोत स्रोत सोर्सेस, विदेशी तत्व भी आप लिख सकते हैं, है ना, विदेशी विषय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छतगन लिखने की कार्रवाई करेंगे, लाल या हरा कलम से हेडिंग बनाया आपने, भारतीय संविधान में शामिल विदेशी स्रोत या विदेशी तत्व या विदेशी विषय, है ना। अब लिखिएगा भारतीय संविधान को उधार का थैला थैला कहा गया है क्योंकि 60 से भी अधिक देशों 60 से भी अधिक देशों मोर देन 60 कंट्रीज के से भी अधिक देशों से महत्वपूर्ण विषयों को संविधान में शामिल किया गया है। कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट, लाल या हरा कलम से तीर का निशान, नेक्स्ट तीर का निशान छात्रगण लिखेंगे, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है भारत शासन अधिनियम 1935 का है है, क्योंकि इस अधिनियम से कंटिन्यू जा रही है लाइन आपकी छात्रगण, ध्यान दें एकाग्र रहें, हां, क्योंकि इस अधिनियम से लगभग 200 से भी ज्यादा अनुच्छेद 200 से भी ज्यादा अनुच्छेद हूबहू लिए गए हैं हूबहू लिए गए हैं लिए गए हैं छात्रगण क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा।
पूछेगा भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। विभिन्न संविधान विशेषज्ञों ने, विभिन्न विद्वानों ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। छात्रगण, क्या क्यों कहा जाता है उधार का थैला? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आखिर उधार का थैला क्यों कहा गया छात्रगण? उसके पीछे कारण है छात्रगण, जिस देश से जो भी चीजें अच्छी लगी उसे हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। अमेरिका का गैस सिलेंडर अच्छा लगा तो अमेरिका के गैस सिलेंडर को ले लिया, आयरलैंड का गैस चूल्हा अच्छा लगा तो वहां से गैस चूल्हा हमने ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर कुकर अच्छा लगा तो ऑस्ट्रेलिया से प्रेशर कुकर हमने ले लिया, रूस की माचिस अच्छी लगी तो रूस की माचिस हमने ले ली, हमारे को फ्रांस का चावल अच्छा लगा तो हमने फ्रांस का चावल ले लिया, है ना, हमें जो है जर्मनी का दाल अच्छा लगा तो हमने दाल अच्छा ले लिया वहां से, और इस तरीके से हमने एक खिचड़ी बना दी, और वो खिचड़ी जब सीटी देने लग गई तो छात्रगण कहा गया कि हमारा संविधान उधार का थैला है, अपना कुछ भी नहीं है छात्रगण, हमारे संविधान में सब कुछ उधार का लिया हुआ है, हर देश से कुछ ना कुछ चीजें ली गई हैं, इसलिए से उधार का थैला कहा गया है, ध्यान रखिएगा। छात्रगण, दूसरी बात आपसे पूछेगा, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव नजर आता है, नंबर एक अमेरिका के संविधान का, नंबर दो रूस के संविधान का, नंबर तीन आयरलैंड के संविधान का, नंबर चार भारत शासन अधिनियम 1935 का। क्या लगाएंगे छात्रगण आप? नंबर चार को आपको रंग देना होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आपको लगा देना होगा। गौर कीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है छात्रगण। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में 200 से भी ज्यादा अनुच्छेद हूबहू भारत शासन अधिनियम 1935 से छात्रगण लिए गए हैं। अब आप सोच लीजिए कि जब संविधान लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे छात्रगण? 395। अब इसमें से 200 से भी ज्यादा, 200 प्लस केवल भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। अब लिखेंगे छात्रगण नीचे में, नंबर एक अमेरिका का संविधान डैश देकर लिखेंगे छात्रगण, यहां के संविधान से निम्न विषय लिए गए हैं, निम्न विषय लिए गए हैं, नंबर एक मौलिक अधिकार, नंबर दो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, नंबर तीन स्वतंत्र न्यायपालिका, नंबर चार राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट उपराष्ट्रपति कॉमा उच्चतम न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया,
प्रक्रिया। छतगण, क्या सवाल पूछे जाएंगे, गौर कीजिएगा। विश्व का सबसे पहली बार लिखित संविधान किस देश ने अपनाया था, तो अमेरिका ने अपनाया था। छतगण, दूसरा सवाल पूछेगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, है ना, अमेरिका के संविधान से। बहुत ही हिट क्वेश्चन है छतगण, इतनी बार यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आपको मैं गिनती भूल चुका हूं। हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे वो बड़ा हो चाहे वह छोटा हो, हर जगह इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा, और एक चीजों को छतगण याद रखना होगा, एक चीजों को गौर करना होगा, एक चीजों को मनन करना होगा। छतगण, दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे भी याद रखिएगा, उसे भी गौर कीजिएगा, उसे भी मनन कीजिएगा, उसे भी याद रखिएगा। छतगण, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि राष्ट्रपति पद का निर्वाचन, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसे भी छतगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा, और इसे भी छतगण आपको याद रखना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसको भी ध्यान रखना होगा, इसको भी छतगण गौर करना होगा, है ना। तो छतगण, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है जो आपने जाना, क्या इससे सवाल आएंगे छतगण, इसको जाने। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विषय अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। नंबर एक, मौलिक अधिकार। नंबर दो, राष्ट्रपति पर महाभियोग। नंबर तीन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। और नंबर चार दे देगा आपको, ध्यान रखेंगे छतगण, चौथे नंबर पर आपको दे देगा मूल कर्तव्य। तो छतगण, क्या अमेरिका के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है? नहीं, मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। तो जब तक आप नहीं जानेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तब तक ये प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए छतगण, आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, और एक चीजों को अध्ययन करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे जाएं, तो आप गलती ना कर दें, आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में वही जीतता है जो दूसरों से ज्यादा जानता है, वही जीतता है जो सही और सटीक अध्ययन करता है, वही जीतता है जो स्मार्ट ब्रेन को अप्लाई करता है, जिसकी रणनीति शानदार होती है, वही प्रतियोगिता परीक्षाओं का विजेता बनता है। तो छतगण, आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, अगली कक्षाओं में हम लोग जानेंगे अन्य देशों से क्या क्या लिए गए हैं, अन्य देशों के संविधान से क्या क्या ग्रहण किए गए हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक है, और यह बहुत ही परीक्षा उपयोगी अध्याय है छात्रगण, इससे क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको मिलेंगे, इसलिए इस पर आपको पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा। पुनः अगली कक्षाओं में इसी सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जोश और जज्बे के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी छात्रगण। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।